हेलो एवरीवन। सो आज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके की सीरीज़ में, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ओके, सो देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा डाटा है, बट जितना हमारे एग्जाम के लिए इस टाइम इम्पॉर्टेंट है उसे हम कवर करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो सबसे पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से रिलेटेड, इससे देख लेते हैं, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो आखिर ये देखिए होता क्या है। ओके, तो आपने देखिए एटम देखा होगा, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। सो उन न्यूक्लियस से रिएक्शन कराई जाती है, जब रिएक्शन होता है तो पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसी को ही न्यूक्लियर पावर बोला जाता है और इस टाइप के प्लांट्स को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहा जाता है। ओके, सो न्यूक्लियर पावर कैसे जनरेट होती है, पावर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट, यूरेनियम 235 आइसोटोप का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ओके, बात होती है फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया किसको कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को। ओके, और ये आपका क्वेश्चन सीएचएसएल प्री जो अभी हुआ था उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया किसको कहा जाता है। आपको याद रखना है किसको कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा, बहुत फेमस नाम है। ओके, सो देखिए, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ओके कब स्टैब्लिश हुई थी, तो ये 1987 में इसने अपना काम स्टार्ट किया था, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अप्सरा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर है, रिसर्च रिएक्टर है, वॉज इंडिजिनियसली बिल्ट एंड कमीशन इन 1956। सो इसे 1956 में पहला एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था, एक्सपेरिमेंट के लिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था। ओके, क्या नाम है इसका, अप्सरा नाम है, याद रखना है आपको, और ये भारत में ही बनाया गया था। कब इसको कमीशन किया गया, 1956 में। नेक्स्ट है कामिनी, जो फर्स्ट रिएक्टर था इन द वर्ल्ड ऑपरेटिंग विद 233 यूरेनियम फ्यूल। ओके, सो यूरेनियम के और भी आइसोटोप होते हैं, तो कौन सा आइसोटोप, 233 फ्यूल के साथ इसको ऑपरेट किया गया पूरे वर्ल्ड में। ओके, कामनी यानी कि कलापक्कम मिनी रिएक्टर, इसका नाम क्या है, कलापक्कम मिनी रिएक्टर। कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया, एट इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इन कलापक्कम तमिलनाडु। कहाँ पे, कलापक्कम तमिलनाडु में। ओके, सो याद रखना है आपको, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर ओके जो इंडिया में ही मेड किया गया उसका नाम क्या है, सो आपको याद रखना है अप्सरा, राइट, क्या नाम है, अप्सरा। तो कैसे आप इसको याद कर सकते हो कि अब सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अब सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन आया, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर, अप्सरा। ओके, तो अप्सरा ऐसे ध्यान रखना है, कामनी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वॉज कमेंस एट तारापुर महाराष्ट्र इन 1969, और ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC में पूछा गया था। ओके, सो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर कमीशन किया गया, सो तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर नाम है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ओके, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ओके, सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे तारा लिखा है और तारा इस एक्ट्रेस है, राइट, सो ये कहाँ पे रहती है, महाराष्ट्र में रहती है। सो तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, 1969 में इसको पहली बार कमीशन किया गया था। ओके, यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, द फर्स्ट PHWR इट मीन्स प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर इज लोकेटेड एट रावत भाटा राजस्थान दैट यूजेस हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O एज अ मॉडरेटर। ओके, सो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कौन सा था, तो कौन सा है, रावत भाटा राजस्थान में। ओके, और इसने यूज किया था हैवी वाटर को, और हैवी वाटर किसको कहा जाता है, D2O को। ओके, और ये क्या काम करता है, हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर का काम करता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इंडिया एम्स टू कंस्ट्रक्ट 21 न्यू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इंक्लूडिंग 10 PHWRS। तो PHWRS क्या है, यहाँ पर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर विद अ टोटल कंबाइंड जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 15,700 मेगावाट बाय 2031। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया ने 21 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने का एम रखा है कौन से ईयर तक, तो कौन से ईयर तक, 2031 तक। ओके, और ये रिपोर्ट 2019 में पब्लिश की गई थी। ओके, सो 2031, सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि प्रेजेंट में जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं कितने वो काम कर रहे हैं। सो आप देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अलग हैं और उनमें जो रिएक्टर्स लगाए गए हैं जो काम कर रहे हैं वो कितने ऑपरेशनल है, तो 22 है ऑपरेशनल प्रेजेंट में। ओके, कि कैपेसिटी क्या है रहेगी इसकी, तो 6780 मेगावाट कैपेसिटी है। ओके, अब देखिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड यूज ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्सेज आर कैरिड आउट इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ओके, सो जितने भी ये जो रिएक्टर्स हैं, परमाणु वगैरह हैं, ओके, इनके स्थापना और इनका कैसे यूज होगा, जो रेडियो एक्टिव सोर्सेस हैं, सो इन सारी चीज़ों को कौन देखता है, कौन कैरी करता है, सो एटॉमिक एनर्जी एक्ट के थ्रू 1962। ओके, तो किस एक्ट के थ्रू ये सारे काम होते हैं, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, 1962, जरूरी नहीं है कि आपके SSC एग्जाम में पूछा जाए, अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम के भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। 1962 तो आपको याद रखना है। ओके, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी EARB रेगुलेट्स न्यूक्लियर एंड रेडिएशन फैसिलिटीज एंड एक्टिविटीज। ओके,
न्यूएस्ट एंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? कुंडलकुलम विद्युत संयंत्र तमिलनाडु, इट मीन्स कुंडलकुलम पावर प्लांट तमिलनाडु। ओके, सो याद रखना है आपको कि न्यूएस्ट जो रिसेंटली न्यूएस्ट ये 2013-14 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, सो न्यूएस्ट और सबसे बड़ा अब तक का कौन सा है? तो कुंडलकुलम पावर प्लांट जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ओके, सो याद रखना है आपको, आप यहाँ पर देखो कुंडल लिखा है ना, कुंडल तो ऐसे आपको याद रखना है कान के कुंडल, तो कान के कुंडल किसी के लिए हम गिफ्ट में लेके जा रहे हैं जब हम उससे मिलने जा रहे हैं, तो कुंडलकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तारापुर पावर प्लांट महाराष्ट्र में, जो अभी हमने स्टार्टिंग में भी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था। ओके, तो पहला और ओल्डेस्ट तारापुर पावर प्लांट, तो तारा एक्ट्रेस है, कहाँ पे रहती है? महाराष्ट्र में। ओके, ऐसे ध्यान रखना है, न्यूएस्ट एंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कुंदनकुलम पावर प्लांट तमिलनाडु, राइट। नेक्स्ट इसमें देखिए, द मुंबई बेस्ड अप्सरा रिसर्च सेंटर, ये एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि अप्सरा जो है एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की तरह इंडिजिनियसली इसको बनाया गया था। ओके, और यही एक रिकॉर्ड अपने साथ और लेता है कि ये एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। कौन सा? अप्सरा रिसर्च सेंटर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू अप्सरा आपको याद रखने हैं। सो अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन से जो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये इस टाइम ऑपरेशनल है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, इट मींस काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, जो 1993 में इसको कमीशन किया गया था। ओके, और लोकेशन कहाँ पे? इसकी गुजरात में है। कौन है ऑपरेटर? NPCIL। ओके, सो यहाँ पर आप देखो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, कैसे याद रहेगा कि गुजरात में है? ओके, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तारापुरा कहाँ पे है, ओके, और नरोरा कहाँ पर है, तो ऐसे आपको याद रखना है कि काकरा पार जो एटॉमिक पावर स्टेशन है ये गुजरात में है। तो यहाँ पर आप देखो काकरा लिखा है। ओके, तो गुजरात की अगर आपने कुछ डिशेज वगैरह कभी खाई होगी या सुनी होगी, तो बोलते हैं ना कि फाफड़ा और जलेबी, तो वैसे फाफड़ा काकरा, ऐसे याद रखना है आपको, तो काकरा गुजरात में है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कालापक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जो 1984 से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में। अब यहाँ पे देखो कालापक्कम मद्रास से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, मद्रास चेन्नई, सो तमिलनाडु में कालापक्कम। नेक्स्ट है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो 1991 में स्टार्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश में है ये नरोरा। ओके, तो यहाँ पर आप देखो ना लिखा है, और उत्तर देते टाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम हाँ बोलते हैं, किसी में हम ना बोलते हैं, तो यस नो से ना से आपको याद रखना है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। ओके, नेक्स्ट है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो स्टार्ट हुआ था 2000 में, और इसका लोकेशन कहाँ पे है? कर्नाटका में। कौन ऑपरेटर है इसका? NPCIL। अब यहाँ पे आप देखो कैगा की बात हो रही है, तो कैगा से क्या साउंड आ रही है, कैसे याद रखने है? कैगा कैग। ओके, तो ऑडिट में क्या होता है? पैसों का काम होता है, तो पैसों को और क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टका। ओके, तो बांग्लादेश की करेंसी है ना टका, टका मीन्स रुपये ही हो गए, तो टका कर्नाटका। ओके, सो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? कर्नाटका में। नेक्स्ट आप देखो राजस्थान का एटॉमिक पावर स्टेशन 1973। सो राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कमीशन डेट है इसकी वो है 1973, राजस्थान में इसका लोकेशन है। ओके, तो राजस्थान के रावत भाटा भी इसको बोला जाता है, तो रावत भाटा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो 1969 से स्टार्ट हुआ था, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो तारा एक्ट्रेस है जो महाराष्ट्र में रहती है। नेक्स्ट है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो 2013 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 2014 से। ओके, तो कुंदनकुलम, तो कुंडल लेके जा रहे हैं किसी के लिए जब हम किसी से मिलने जा रहे हैं, तो मिल से तमिलनाडु हो जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या नाम लिखा है? हरियाणा लिखा है। ओके, तो रिसेंटली अभी ये करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि रिसेंटली अभी बात की जा रही है कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ओके, इज कमिंग अप इन गोरखपुर हरियाणा, अबाउट 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द नेशनल कैपिटल दिल्ली। ओके, सो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि दिल्ली से होते हुए, ओके, तो ये जो आप फतेहाबाद देख रहे हो ना, ये जो है फतेहाबाद, तो फतेहाबाद में एक विलेज है गोरखपुर, ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, ये है फतेहाबाद। कहाँ का गोरखपुर? एक जिला है फतेहाबाद में, ओके, जो हरियाणा का पार्ट है। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है, तो ये अभी न्यूज में है। सो ये करंट के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना। ओके, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना इसका नाम है। विच विल हैव टू यूनिट्स ऑफ 700 मेगावाट कैपेसिटी ईच ऑफ परस्यूट हैवी वाटर रिएक्टर इंडिजिनस डिजाइन इज अंडर इम्प्लांटेशन नियर गोरखपुर विलेज इन फतेहाबाद। ओके, तो अभी इसमें इसमें काम चल रहा है, और ये गोरखपुर जो विलेज है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, ओके, इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, और ये दो यूनिट्स इसकी लगाई जाएंगी। एक यूनिट का पावर कितना है? 700, और दो का 1400 हो जाएगा मेगावाट। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है इसको करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव में कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट किसको कहा जा रहा है और ये कहाँ पे स्टैब्लिश होगा, हरियाणा में। ओके, तो ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, ये आपको याद रखना है। ओके, जहाँ से यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, ओके, वो वाला गोरखपुर ये नहीं है। सो यहाँ पे मैंने आपको मैप में बता दिया कि फतेहाबाद कहाँ पे है, हरियाणा में। ओके, सो अब मैं आपसे क्वेश्चन हम कुछ देखेंगे जो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए इसी टॉपिक से रिलेटेड। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन मॉडरेटर इज यूज फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में मॉडरेटर का यूज किया जाता है। ओके, तो मॉडरेटर का यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है? ओके, सो क्यों किया जाता है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को कम किया जा सके। राइट, सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ओके, तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो कौन से स्टेट में लोकेटेड है नरोरा? तो ना हम कब बोलते हैं ना, यहाँ उत्तर देते टाइम, तो ऐसे याद रखना आपको उत्तर प्रदेश। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, ओके, सो देखिए करेक्ट आंसर इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सो जो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है ये लोकेटेड है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, और इसका जो फर्स्ट यूनिट है ये ऑपरेट होना स्टार्ट हुआ था 1991 से एंड सेकंड यूनिट इसका 1992 से। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। इनमें से कौन न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड है तमिलनाडु में? तो लोकेटेड है तमिलनाडु की बात हो रही है, सो आपको ध्यान से देखना है, हमने सारे ही पढ़े हैं सेवन्थ की सेवन जो अभी ऑपरेशनल है। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, काकरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ओके, तो कैसे याद रखा था हमने? देखिए पहले तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में दो हैं। ओके, सो तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में गए हम कुंदन। ओके, किसी से मिलने गए हम कुंदन लेके, तो कुंदन लेके यानी कि कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट है देखिए, रावतभाटा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मैंने आपको बताया जो रावतभाटा एटॉमिक पावर स्टेशन है वो राजस्थान का जो एटॉमिक पावर है उसको ही बोला जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज डैश इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर स्टेशन। सो प्रेजेंट में इंडिया का जो लार्जेस्ट पावर स्टेशन है वो कौन है? कुंदनकुलम पावर प्लांट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ओके, सो 2014 से इसने अपना कॉमर्शियल वे में अपना जो ऑपरेशन है इसको स्टार्ट किया था। ओके, सो याद रखना है आपको, इससे पहले कौन था? तो इससे पहले तारापुर पावर स्टेशन को माना जाता था, बट 2014 में ये आया था, तो 2014 के बाद से कुंदनकुलम जो है, ओके, जो न्यूएस्ट भी है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो न्यूएस्ट है बिल्कुल, ओके, और जो सबसे बड़ा है अभी प्रेजेंट में, तो कुंदनकुलम पावर प्लांट तमिलनाडु। फिफ्थ क्वेश्चन इज एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे वॉज सेटअप इन 1954 एंड रीनेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन। ओके, सो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट जो है ट्रॉम्बे में वो सेटअप हुआ था 1954 में एंड इसको फिर रीनेम कर दिया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कौन से ईयर में? ओके, सो यहाँ पर आप भाभा जी को देख रहे हैं, राइट, तो इनके नाम पे फिर रिसर्च सेंटर को रीनेम किया गया था कौन से सन में? 1967 में। ओके, तो ये आप क्वेश्चन आपका सीरियस एग्जाम में पूछा गया है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए, जो न्यूक्लियर रिसर्च का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। ओके, और इनके ही नाम पे रखा गया था होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक एनर्जी, एस्टैब्लिश किया गया था ट्रॉम्बे में AEET एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम एसेंशियल फॉर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम 1954। ओके, तो 1954 में इस प्रोग्राम को लेके आया गया था, बट रीनेम किया गया इसको एज अ बार्क, जिसे बार्क बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, तो बार्क यानी कि किसके नाम पे रखा गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1967 में इसको रीनेम किया गया। ओके, क्योंकि जो भाभा जी थे इनकी डेथ हो गई थी 1966 में, तो इसी के बाद से ये जो सेंटर है इसका नाम को रीनेम किया गया एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि 1954 में पहली बार होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक सेंटर को एनर्जी को एस्टैब्लिश किया गया, इसके बाद इसको रीनेम किया गया 1967 में, और ये कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपका अभी जो सेचसल प्री हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो किसको कहा जाता है? तो अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं होमी जे भाभा को। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेवन क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, सो NPCIL का, सो NPCIL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, सो सेवन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट, एट्थ क्वेश्चन इज विच इज गोइंग टू बी नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट किसको कहा जा रहा है? तो ये कहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है? तो गोरखपुर विलेज हरियाणा। राइट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो देखिए नेम क्या है इसका? गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना। क्या नाम है इसका? गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, सो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें डाटा बहुत ज्यादा है। ओके, बट जो रेलिवेंट है, जो इस टाइम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना हम याद रख पाएंगे, ओके, उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने कवर किया है कि आपको जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है। राइट, ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और
आप जो मुझे टॉपिक्स बोलते हैं कि मैम इसका भी वीडियो बना दीजिए, तो देखिए जो मैंने आपको पहले पीडीएफ में टॉपिक्स बताए हैं मैं पहले उससे कवर करूंगी कि एटलीस्ट वो टॉपिक्स कवर हो जाएं, ओके। फिर जो टाइम हमारे पास बचेगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो बाकी के टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे, राइट, आपके एग्जाम तक। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।